श्री यादव महाराज माता की, श्री यादव माता की, श्री वीर तेजा जी महाराज की, वीर तेजा जी महाराज की, बाबा भदरी की, बाबा भदरी की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सियाद चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी नागौर देहात के जिला के अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह मौर्य जी, जिलाध्यक्ष भाजपा नागौर शहर श्री रामनिवास सांगला जी, जिला प्रभारी अशोक कुमार सैनी जी, डीवाना से भारतीय जनता पार्टी के युवा एक जुझारू और कर्मठ प्रत्याशी श्री जितेंद्र सिंह डोडा जी, मेरे सभी उपस्थित भाई और बहनों, इस पावन धरा को, इस पावन धरा में बाबा भद्रकाली जी ने अपनी पवित्र साधना से जिस धरा को पवित्र किया हो, जिस धरा में अमर सिंह राठौर, बाबा रामदेव जी जैसे संतों का सानिध्य जिस धरा को प्राप्त हुआ है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। हेलो बहनों, विधानसभा का चुनाव आपके राजस्थान में चल रहा है। मुझे पिछले कुछ दिनों से राजस्थान विधानसभा चुनाव में अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन भाइयों बहनों, 5 वर्ष राजस्थान के लिए वेदना और पीड़ा के थे, अव्यवस्था के थे, अराजकता के थे। भाइयों बहनों, ये पहली बार हमने देखा है राजस्थान को अपने सौर और पराक्रम के लिए जाना जाता है, राजस्थान जो अपने वीर और वीरांगनाओं के लिए जाना जाता है, राजस्थान जहां का नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान कर देता है, तो राजस्थान उस राजस्थान की इस पावन धरा में आज क्या हो रहा है, जो राजस्थान देश के लिए भारत की विरासत का प्रतीक माना जाता था, उस राजस्थान में आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया, महिला समाज के अपराध में नंबर 1 हो गया, युवाओं को मिलने वाले रोजगार में सेल लग रहा है, सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान में हो रही है, और पेट्रोल में रेट सबसे ज्यादा राजस्थान में वसूला जा रहा है। और भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा महंगी बिजली और सड़कों के बारे में तो कहना ही क्या, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है यही पता नहीं लगता है। जो पैसा मोदी जी भेजते भी है वो पैसा जयपुर में ही बंदर बांध हो जाता है।
स्कोर कर देता था, ये दो स्कोर मारे जाते थे। आज कोई घुसपैठ नहीं, कोई आतंकी वारदात नहीं, क्योंकि आतंकवादी और आतंकवादी क्या आपका कोई मालूम है? कुछ करेंगे तो फिर भरेंगे भी। समस्या
माफिया गरीबों के हक पर डकैती डालने वाले माफिया बनते हैं। और भाइयों बहनों, इन माफियाओं का सबसे अच्छा इलाज हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश के अगर माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, कैसे होगा? इनका इलाज ही नहीं है। मोदी जी के कर कमों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर।